हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल शिवा फार्मासिस्ट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डेपॉक्सिटिन टैबलेट के बारे में। इसका यूज क्या है, इसका साइड इफेक्ट क्या है, इसका डोज क्या है, कौन इसको ले सकता है, कौन इसको नहीं ले सकता, सब कुछ बताएंगे। तो वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिए। और हाँ दोस्तों, अगर चैनल पर न्यू है तो अभी हमारा इस चैनल शिवा फार्मासिस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर टैप कर देना, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही फ्री में मेडिसिन का रिव्यू और हेल्थ टिप्स एंड ट्रिक्स हमेशा मिलने वाला है। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, ये जो डेपॉक्सिटिन है ये एक्चुअली है क्या। तो दोस्तों, ये एक SSR इनहिबिटर मेडिसिन है। SSR इनहिबिटर मेडिसिन का मतलब है दोस्तों, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिसेप्टर इनहिबिटर मेडिसिन। तो इसका मतलब है दोस्तों कि जो हमारा ब्रेन में जो सेरोटोनिन लेवल है, ये उसका जो है कार्यक्षम का बढ़ा के अपना काम करता है। दोस्तों, ये जो मेडिसिन है इसको एंटीसाइकोटिक ड्रग के अंदर भी लिया जाता है, यानी कि जो साइकोपैथ पेशेंट होता है, यानी कि जो कि मानसिक बीमारी का जो भी पेशेंट होता है दोस्तों, तो उनके लिए भी ये मेडिसिन चलाया जाता है। तो अभी बात करेंगे दोस्तों, इसका यूज तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे ये जो है डेपॉक्सिटिन है, ये तो एक केमिकल नेम है, लेकिन इसका ब्रांड नेम क्या है, मतलब अलग अलग कंपनी या फिर आप बोल सकते हो कि अलग अलग फार्मा इंडस्ट्री ने इसको अलग अलग नाम से प्रोवाइड करते हैं मार्केट में। तो उसमें से अगर कुछ फेमस ब्रांड का बात करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा डोरालास्ट टैबलेट, डेपोटाइम टैबलेट, प्रिलजे टैबलेट और यहाँ पर डेपॉक्सिन टैबलेट। इस तरह का कुछ अलग अलग ब्रांड नेम आपको अलग अलग नाम से ये टैबलेट मिल जाएगा, और भी बहुत सारा अलग नाम से आपको मिल सकता है, लेकिन ध्यान रखिए इसमें होता है डेपॉक्सिटिन हाइड्रोक्लोराइड। तो अभी बात करेंगे दोस्तों, ये जो डेपॉक्सिटिन हाइड्रोक्लोराइड या फिर आप जिसको डेपॉक्सिटिन टैबलेट बोलते हो, तो उसका स्ट्रेंथ क्या है, मतलब कौन कौन से स्ट्रेंथ में ये अवेलेबल होता है। दोस्तों, बेसिकली ये जो डेपॉक्सिटिन टैबलेट है ये तीन प्रकार का स्ट्रेंथ से अवेलेबल होता है। एक होता है दोस्तों 30 mg, दूसरा होता है दोस्तों 60 mg और तीसरा होता है 90 mg। ज्यादातर दोस्तों यहाँ पर 30 mg और मैक्स टू मैक्स 60 mg का यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो 90 mg वाला स्ट्रेंथ है इसको डॉक्टर उन्हीं मरीजों को देते हैं जो जिसको इसका बहुत ही ज्यादा नीड होता है। और हाँ दोस्तों, ये एक शेड्यूल हेज का मेडिसिन है, जिसका मतलब यह है कि ये डॉक्टर के जो पर्ची होता है दोस्तों, इसके हिसाब से ये आपको दे सकते हो मरीज को, लेकिन यहाँ पर ये OT से भी दिया जा सकता है। अभी बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर ये जो डेपॉक्सिटिन टैबलेट है इसका यूज क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसका यूज क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट यूज है ये होता है दोस्तों, शीघ्र पतन को खत्म करना या फिर शीघ्र पतन को रोकना, यानी कि प्री मेच्योर इजैकुलेशन को खत्म करने के लिए ये मेडिसिन दिया जाता है। अगर किसी को पता नहीं है तो हम थोड़ा सा ब्रीफ में इसको बता देते हैं कि दोस्तों, जो मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर जब आपस में मिलते हैं और इसके साथ जब वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, यानी कि जब संबंध बनाना शुरू करते हैं, तो कुछ ही टाइम बाद, यानी कि जो संबंध बनाने से जो बहुत ही जल्द ही अगर किसी मेल पार्टनर का वीर्य स्खलित हो जाता है, यानी कि डिस्चार्ज हो जाता है, तो जिसके वजह से वो अपने फीमेल पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, और इसके साथ साथ बहुत बार ये बांझपन का भी शिकार हो जाते हैं। तो इसको रोकने के लिए, यानी कि जो आप बोल सकते हो कि टाइमिंग बढ़ाने के लिए, मतलब इंटरकोर्स का टाइमिंग बढ़ाने के लिए ये मेडिसिन को दिया जाता है दोस्तों। मतलब जिसका भी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या फिर शीघ्र पतन का बीमारी है उसको ये मेडिसिन दिया जाता है। अभी बात करेंगे दोस्तों, ये तो एक आप बोलोगे कि भाई ये तो बहुत ही अच्छा मेडिसिन है फिर तो, लेकिन यहाँ पर बहुत सारा आपको सावधानियाँ भी बरतना होगा अगर ये मेडिसिन आप लेते हो तो। क्या क्या हो सकता है दोस्तों, तो अगर कोई भी मरीज जिसको लीवर का रोग है या फिर हार्ट डिजीज है या फिर किडनी का कोई बीमारी है या फिर कोई व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है, तो इनको ये मेडिसिन गलती से भी नहीं देना है। अगर ले भी रहा है वो व्यक्ति मेडिसिन, तो सबसे पहले डॉक्टर के देखरेख से ही इसको वो मेडिसिन देना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर आप दूसरे कोई मेडिसिन ले रहे हो तो भी ये मेडिसिन को लेने से पहले डॉक्टर को पूरे डिटेल बताइए आप कि आप कौन कौन से मेडिसिन ले रहे हो, ताकि वो डॉक्टर आपको ये मेडिसिन दे या ना दे या फिर इसका अल्टरनेटिव में कोई मेडिसिन दे ये सोचेंगे, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा हैवी साइड इफेक्ट हो सकता है। जैसे कि बहुत सारे क्लासेस का मेडिसिन होता है, जैसे कि आप थायरॉइडजाइन जैसे एक क्लास है, और इसके साथ साथ अगर बात करेंगे मोक्लोबेमाइड,
क्लास का कोई मेडिसिन आप ले रहे हो, किटोकोनाजोल क्लास का आप कोई मेडिसिन ले रहे हो, लिथियम क्लास का कोई मेडिसिन ले रहे हो, ट्रामाडोल क्लास का कोई मेडिसिन ले रहे हो, और इसके साथ साथ रिटोनावीर क्लास का कोई मेडिसिन ले रहे हो, या फिर आप फ्लुकोनाजोल और या फिर एरिथ्रोमाइसिन क्लास का कोई मेडिसिन आप ले रहे हो दोस्तों, तो ये मेडिसिन इसके साथ नहीं देना चाहिए, नहीं तो आपको साइड इफेक्ट्स हो सकता है। अभी बात करेंगे दोस्तों, अगर यहाँ पर ये मेडिसिन आप ले ही रहे हो, साइड इफेक्ट्स में इसका क्या क्या हो सकता है। अगर ये मेडिसिन ले रहे हो और अगर किसी को साइड इफेक्ट्स हुआ तो आपका सर चकरा सकता है, आपको बहुत ज़्यादा सर में हैवीनेस फील हो सकता है, आपका तनाव कम नहीं हो सकता है लिंग में, या फिर ये भी हो सकता है दोस्तों आपको थोड़ा बहुत धुंधला दिख सकता है, आपका बहुत ज़्यादा सर दर्द हो सकता है। ऐसा अगर कुछ होता है तो कुछ टाइम बाद ये सही हो जाता है दोस्तों, तो इतना घबराना नहीं है, लेकिन अगर सही नहीं होता है तो आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हो। अभी बात करेंगे दोस्तों कि यहाँ पर ये जो आप मेडिसिन ले रहे हो इसका डोज कैसा रहना चाहिए। तो दोस्तों ये डोज जो होता है ये डिपेंड करता है, इसको कौन कौन पहले ले सकते हैं ये बता देते हैं दोस्तों। 18 साल से लेके 64 एज तक कोई भी मरीज इसको ले सकता है जिसको नीड है इसका, ठीक है, उससे कम एज वाला या फिर उससे ज्यादा एज वाला मरीज बिल्कुल भी ना ले। दोस्तों यहाँ पर आप इसको लिया कैसे जाता है, यानी कि इसका डोज कैसा रह सकता है, तो दोस्तों इसको आप कभी भी ले सकते हो, खाने से पहले या फिर खाने के बाद, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, इंटरकोर्स से 1 घंटा पहले इसको लेना चाहिए। आप जब भी अपने पार्टनर के साथ संबंध बना रहे हो उसका 1 घंटा पहले अगर आप ये मेडिसिन को लेते हो तो ये अच्छा काम करता है। और इसके साथ साथ आप अधिकतम मात्रा 60 mg पर डे का ले सकते हो, एक ही टैबलेट एक दिन में ले सकते हो, उससे ज़्यादा मत लेना। और यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करेंगे जिसको मैं बताया कि ये सब बीमारी है या फिर ये सब मेडिसिन चल रहा है, तो वो मरीज क्या करे, अपने डॉक्टर के देखरेख से ही ये मेडिसिन लेना चाहिए दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आप इसको ले रहे हो तो उसके बाद अगर आप कोई ड्राइव में जाते हो, कोई हैवी मशीनरी में काम करते हो, तो इसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर नींद भी आपको आ सकता है या फिर आपको ऐसे भी थकान भी लग सकता है। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको सब कुछ बता दिया, फिर भी अगर कुछ छूट गया है तो आप हमें जरूर कमेंट करके बता देना, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसको भी कवर कर देंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज ये वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। पूरे वीडियो वॉच के इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।